फोक लगाने के लिए पहले हम लोग को ये वाला सामान चाहिए होगा, काम का सामान। तो ये अभी मैं अनबॉक्सिंग कर लिया हूँ लॉक को, और ये हैंडल लॉक है, और हैंडल लॉक से मातिस हैंडल लॉक है। ये जो आप देख रहे हैं ये सिलेंडर है लॉक का। तो इसको पूरा लगाना कैसे है प्रोसेस मैं बताऊंगा। पहले जो इसमें जो नट लगेगा हैंडल में और सिलेंडर को, दोनों को लगाना है, वो नट का स्क्रू को कट लेना है, सिर्फ ओनली स्क्रू को। तो उसके बाद हम लॉक लगाएंगे। तो लॉक लगाने से पहले लॉक का जो मेजरमेंट रहता है, हम लोग जो हैंडल का जो नट रहता है तो वो हम रखते हैं 39 में रखते हैं। जैसे कि मैं 34 इंच में लगाया हूँ और ऊपर 41 इंच है, तो इसलिए मैं लगाया हूँ क्योंकि हमारा लॉक है 7 इंच लंबाई है। और इस तरीके से आपको मेजरमेंट कर लेना है। मैं जैसे निशान लगा रहा हूँ, ये निशान डोर का पूरा सेंटर में है, और इस सेंटर में मैं 19 mm का ड्रिल बिट से होल करूँगा जो आप देख रहे हैं। तो इस ड्रिल बिट में पूरा सेंटर में आपको होल कर लेना है। ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ दोस्तों, ये पूरा शॉर्टकट प्रोसेस है, और मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ मैं सोचता हूँ आप लोगों को थोड़ा आसान और जल्दी बना, मतलब काम करने का तरीका बता सकूँ आप लोगों को, इसलिए मैं इस तरह से काम करता हूँ। तो इसमें हमारा लॉक लग गया, इसलिए मैं ज़्यादा निशान लगा लिए, सेंटर में लगा के मैं होल कर रहा हूँ। ये जो देख रहे हैं आप, कीला हमारा रहेगा तो इस तरीके से आप लोग कीला निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको 19 mm ड्रिल बिट से पूरा में होल कर लेना है। तो दोस्तों मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो हमारा अच्छा लग रहा होगा। तो आप लोग एक वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों ये लाइक करना मतलब हमको एक सपोर्ट मिल रहा है, आगे चल के मैं वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों मैं हर समय कुछ खास कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए, स्पेशल कुछ बनाने के लिए, मतलब हर समय मैं कोशिश करता रहता हूँ। दोस्तों लॉक जब लगाएंगे आप लोग को होल करने से पहले इस तरीके से आप लोग को देख लेना है कि आपको कितना डिप आपको करना है। तो लॉक का जितना चौड़ाई रहेगा उस तरीके से आपको उतना डिप का होल करना है। तो इस तरीके से बटाले से पूरा फिनिशिंग कर लेना है। तो आप लोग जानते ही हैं ये काम को कैसे करना है, फिर भी मैं बता रहा हूँ जिन भाई लोग को पता नहीं है, खास करके मैं उन लोग को दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से पूरा क्लीन कर लेना है, और 1 इंच का बटाली से पूरा अच्छे से पूरा सीधा सीधा फिनिशिंग कर लेना है। कई सारे जगह में प्रॉब्लम कुछ होता है, जैसे कि वो पूरा साइड में पूरा पतला कर देते हैं, जगह नहीं बचता है। तो हमारा जो डोर है, डोर का हमारा थिकनेस है 1.5 इंच का थिकनेस है। तो आप लोगों इसमें जो 1.5 इंच का थिकनेस है, तो इसमें हमारा जो सिलेंडर लगेगा 70 mm का सिलेंडर लगेगा। तो उसको कैसे लगाना है, 1.5 इंच में 70 mm का लगेगा। अगर आपका मान लीजिए दोनों साइड में सनमाइका रहेगा तो आपका तो 1.5 इंच का नहीं होगा, वो आपका 1.25 इंच का डोर हो जाएगा, तो उसमें 60 mm का सिलेंडर लगेगा। तो इस तरीके से निशान लगाना है, क्योंकि मेरा डोर जो है, डोर का धारी ब्लैक है, इसलिए मैं एक कीला का मदद से पूरा निशान लगा लिया हूँ। तो निशान लगाने के बाद ये जो दोस्तों पट्टी है हमको 1/2 इंच का बटाली से काट लेना है, और पूरा अच्छी तरीके से फिनिशिंग कर लेना है। तो अच्छे से फिनिशिंग करेंगे तो दोस्तों इसमें पूरा बराबर फिनिशिंग भी दिखेगा। तो कटिंग करते समय थोड़ा ध्यान रखना है, ज़्यादा मतलब जल्दी करने का कोशिश नहीं करना है, आपको आराम से करना है, क्योंकि जितना में आप निशान लगाए हैं उतना में ही कटिंग करना है, या तो कम ज़्यादा भी नहीं चाहिए, और थोड़ा कहीं निकल जाता है वेट या कुछ गड़बड़ी हो जाता है तो उससे क्या है, फिनिशिंग नहीं रहता है। तो आपको पूरा परफेक्ट मेजरमेंट जहाँ निशान लगे हैं उसी जगह में आपको सही से काटना है, तो दोस्तों तभी अच्छा दिखेगा। लॉक तो लगाना ही सिंपल है, लेकिन आपका बाहर से भी जो दिखना अच्छा दिखना चाहिए तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग जब भी लगाते हैं तो दोस्तों इस तरीके से लगाते हैं, और इसमें मैं कुछ नया ट्रिक बताया हूँ जिसमें आप पहले ही देखे हैं। तो ये मार्किंग इसलिए मैं किया हूँ, वो गेज पट्टी अगर इसलिए बनाया हूँ क्योंकि इसमें क्या है, आप इसमें 10, 20, 50 जितना भी आपका डोर रहेगा तो आप आराम से कर सकते हैं एक ही गेज के मदद से। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है आपका, मान लीजिए आपका लॉक जो रहेगा एक ही साइज़ का चौड़ाई होना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि चौड़ाई कम ज़्यादा भी लॉक आता है तो उसमें क्या है दिक्कत हो जाता है। तो आपको एक ध्यान में रखना, ये चीज़ ध्यान में रखना है, लॉक जब लाएंगे एक ही साइज़ का ही लेना है। तो एक गेज पट्टी बना लेंगे, उससे फटाफट निशान लगा दीजिए और काम भी झटाक से हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, और भी एक तरीके से कर सकते हैं, जो आपका मान लीजिए हेल्पर है तो हेल्पर को होल करने दे देंगे, वो ये करेगा आपको फाइनल फिनिशिंग करके आप लॉक लगा सकते हैं। तो इससे क्या है बहुत ही फास्ट हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हैं इसको लगाना कैसे, ये जो पिन है, ये पिन जो है आपको लेफ्ट राइट डोर में लगा सकते हैं। जैसे ये हमारा डोर है लेफ्ट राइट में खुलने वाला है, तो इस साइड को आपको नीचे करके उसको खोलेंगे तो पुश करके घुमाएंगे खुल जाएगा। तो इससे मैं निशान अभी लगाऊंगा। तो इसको कैसे लगाना है, मतलब जहाँ से जहाँ लॉक का नीचे साइड है, लॉक का नीचे साइड लेवल करके और आपको इस तरीके से पूरा निशान ले लेना है। और निशान लेके आप लोगों को जितना भी आपका होल है, होल में पूरा बराबर निशान लेके उसके बाद ड्रिल बिट से होल करना है। जैसे मैं इसको बनाया कैसे हूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये जो मैं होल कर रहा हूँ ये 6 mm ड्रिल बिट है, 6 mm ड्रिल बिट से आपको होल कर लेना है। और इसको मैं बनाया कैसे दोस्तों, आपको मैं एक वीडियो बनाऊंगा कैसे बनाया हूँ। और पहले जो मैं होल किया हूँ वो 19 mm ड्रिल बिट है, और ये जो है करेंगे आप लोग ये 20 से 22 mm 25 mm का ड्रिल बिट से होल करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये जो होल कर रहा हूँ दोस्तों ये आपका 12 mm ड्रिल बिट है, इसे आपको होल कर लेना है। तो इस प्रोसेस से दोस्तों करेंगे तो बहुत ही आसान होगा और बहुत ही अच्छा होगा, और फिनिशिंग भी दिखता है और काम भी बढ़िया होता है। इसमें कई जगह में मैं देखा हूँ बड़ा बड़ा होल हो जाता है सिलेंडर जहाँ पे लगता है, तो उसमें क्या है अच्छा नहीं दिखता है। बाद में जब खोलते हैं या अभी भी अगर काटेंगे भी उसमें क्या है ख़राब लगता है देखने में। ये जो दोस्तों देख रहे हैं ये पूरा बिल्कुल फिनिशिंग है और बहुत ही अच्छा लगता है इसमें दिखने के लिए, और काम भी परफेक्ट होता है। आप लोग जब भी करेंगे एक ऐसे ही गेज पट्टी आप लोगों को बना लेना है, मान लीजिए 10, 15, 20 जितना भी डोर रहेगा आराम से लगा सकते हैं और एक चांस में हो जाएगा। तो दोस्तों एक सिंपल तरीका है और आसान तरीका है लॉक लगाने का। तो देखिए अभी आप पूरा हमारा होल बराबर हो गया है और कम ज़्यादा भी नहीं है, सभी बराबर सीधा सीधा दिख रहा है। तो लॉक में स्क्रू लगा लेना है, 25 mm का स्क्रू लगा लेना है। और हमारा जो ये लॉक है एंटिक कलर का लॉक है, जैसे गोल्डन कलर का है, तो इसमें उसी कलर का मैं स्क्रू लगा रहा हूँ। और इसको लगाने से पहले आप लोगों को इस तरीके से लगाना है और इसमें स्क्रू दोनों बाजू में लगा लेना है अच्छी तरीके से। लगाने के बाद और नीचे लगा लेना है पहले सिलेंडर जहाँ लगेगा, उसके बाद आप लोगों को ऊपर में लगा लेना है। तो मेरा नीचे वाला लग गया है, उसके बाद ऊपर वाला मैं लगाऊंगा अभी। तो दोस्तों वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा इसलिए मैं आपको थोड़ा मतलब शॉर्ट शॉर्ट में दिखा रहा हूँ। तो इसको इस तरीके से लगा लेना है और इसे पकड़ के देखना है पट्टी, क्योंकि इस तरीके से देख लेंगे तो आपका ये अगर सीधा रहेगा तो बाद में आप हैंडल भी जो लगाएंगे और इसके ऊपर जो कैप लगेगा वो भी पूरा बिल्कुल सीधा रहेगा। इस तरीके से आप लोगों को लगा लेना है। और पहले मैं सिलेंडर लगा लेता हूँ, और आप लोगों को ध्यान में रखना है जो जो ए साइड है की, मतलब जो चाबी है, चाबी को आपको बाहर साइड में रखना है और जो घूमने वाला साइड है उसका अंदर रखना है। तो उसके बाद मैं हैंडल लगा लेता हूँ, और हैंडल तो दोस्तों आप लोगों को ऐसे लगा करके चेक कर लेना है आपका वो घूम रहा है कि नहीं, देखिए इस तरह से चेक कर लेना है। तो उसके बाद ये भी हमारा हो गया है और दोनों पूरा बराबर रेडी है। उसके बाद मैं निशान ले लेता हूँ इसको, लकड़ी का दरवाज़ा में कैसे काटेंगे। और इसमें फेविकॉल लगा लेना है पहले नालिस में, उसके बाद इसको पकड़ के ऐसे निशान ले लेना है। हमारा ये निशान हो गया है और इसको क्या करेंगे चेक करना है कैसे, पहले आपका जो प्लेट जो लगेगा फ्रेम में उसको पकड़ के देख लेना है। हमारा 300 छोड़ के है तो मैं 300 छोड़ के इसमें निशान लगा लेता हूँ फ्रेम में। और इस तरीके से निशान लगाया, मैं कीला से निशान लगा रहा हूँ क्योंकि इसमें अच्छी तरीके से दिखेगा, इसलिए मैं कीला से निशान कर रहा हूँ क्योंकि हमारा ये फ्रेम ब्लैक है, तो इसलिए मैं कीला से निशान लगा रहा हूँ तभी अच्छा दिखेगा। और इसको दोस्तों आप लोग जब कटिंग करेंगे क्या है, इसमें थोड़ा बड़ा भी काट सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा काट सकते हैं, तो ज़्यादा बड़ा नहीं काटना है क्योंकि वो भी ढीला हो जाएगा और ख़राब भी लगता है, उतना फिनिशिंग नहीं लगता है। तो इसको काटते समय अच्छे से फिनिशिंग से काटना है,
तभी आपका फिनिशिंग दिखेगा, क्योंकि ऊपर से जो आपका रहेगा, जो ऊपर से प्लेट लगेगा, उस प्लेट अच्छा दिखना चाहिए। तो एकदम जहाँ पे निशान लगे हैं उसी जगह पे आपको काटना है, तभी ये अच्छा दिखेगा। और अच्छी तरीके से कटिंग करने के बाद इसमें स्क्रू लगा लेना है, और स्क्रू लगा के चेक कर लेना है कि आपका स्क्रू, दो स्क्रू लगाना है, इसमें तीन होल है तो इसको मैं दो स्क्रू लगा रहा हूँ। तो दो स्क्रू लगा के चेक कर लेना है पहले कैसा वर्क कर रहा है। तो दोस्तों अब देखिए पूरा बिल्कुल हमारा हो गया है, एक चांस में हो गया, एकदम ज़बरदस्त हुआ है, और देखिए कंप्लीट फाइनल हो गया है। तो दोस्तों ये काम करने का एक सिंपल ट्रिक है, बहुत ही आसान तरीका है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो हमारा अच्छा लगा है,